करोड़ों रुपए के घाटे में चल रही उज्जैन नगर निगम ने अब रेवेन्यू जनरेट करने के अलग अलग रास्ते निकाल लिए हैं। उज्जैन नगर निगम के माध्यम से यहाँ पर IOC का एक पंप खोला जा रहा है। इस पंप के माध्यम से नगर निगम अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा। नगर निगम ने यहाँ पर जो IOC है उसे यहाँ पर जगह दी है और इस जगह पर पंप खोला गया है। और ये पंप कब तक कंप्लीट हो जाएगा और नगर निगम को रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा? हमारे साथ कंपनी के इंजीनियर हैं। इंजीनियर साहब, कब तक ये पंप जो है वो रेडी हो जाएगा और लोगों को यहाँ से फ्यूल मिलना शुरू हो जाएगा? हम इसे मई के फर्स्ट वीक में हैंडओवर कर देंगे इसे, और 90% काम भी हो चुका है। 10% जो काम है वो हम मई के फर्स्ट वीक में ख़त्म कर देंगे सारा। किस पॉलिसी के तहत ये पंप चलेगा आगे और क्या कंपनी की इसमें IOC की भूमिका रहेगी? ये IOCL ने ये नगर निगम को पेट्रोल पंप हैंडओवर करेगा। अब ये नगर निगम जानता है कि नगर निगम ये खुद चलाएगा या किसी से चलवाएगा। नगर निगम ने ये IOCL ये अपनी आम जनता के लिए भी है और नगर निगम के खुद के लिए भी है। मुझे नगर निगम में भी यहाँ लाखों रुपए का महीने का फ्यूल आता है, तो वो भी इसी पंप से हो जाएगा। और इसको जो रेवेन्यू होगा वो IOC को मिलेगा या नगर निगम को मिलेगा या जो एजेंसी चलाएगी उससे मिलेगा? अब वो नगर निगम और IOCL के बीच में बात जो होगी वो उसके लिए है। लेकिन ये इसका भी ये भी नहीं हुआ, क्लियर हुआ है कि ये पेट्रोल पंप ये कौन चलाएगा। अभी ये नगर निगम को ही हैंडओवर किया जाएगा, नगर निगम जाने वो किसे चलवाएगी। नगर निगम द्वारा इस फ्यूल स्टेशन को चलाया जाएगा। ये नगर निगम का भवन यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है और ये जो शहर की, उज्जैन शहर की बेशकीमती ज़मीन है जिसका काफ़ी समय से उपयोग किए जाने की बात की जा रही थी। उज्जैन नगर निगम लगभग 75 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लॉस में चल रहा है और यहाँ पर उज्जैन नगर निगम द्वारा प्रतिदिन 1 लाख रुपए का डीजल दूसरे पंप से लिया जाता है। इस पंप के शुरू होने के बाद नगर निगम भी यहीं से फ्यूल खरीदेगा और एक एजेंसी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा, जिससे नगर निगम को आने वाले समय में लाखों रुपये महीने का रेवेन्यू जनरेट होगा। विक्रम सिंह जाट, ABP News, उज्जैन।